भारतीय वायुसेना के जवान की दाई आंख में गोली मारकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। आज सुबह एयरफोर्स के जवान का शव खेत के पास पड़ा हुआ मिला। हत्या की सूचना पर पहुंचे एसपी, सीओ, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है। वहीं परिजनों ने एक सहकर्मी पर हत्या का अंदेशा जताया है। एसपी ने बताया है कि पारिवारिक विवाद के चलते विनय दबाव बनाता था। फिलहाल मामले की जांच व आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। रात में 8:30 बजे विनय सोनी को फ़ोन आया था कि मेरे पिताजी का गंगा थाने में तबादला हुआ है, यहाँ पोस्टिंग हुई है, यहाँ कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ हमको जरा आ जाओ तो कुछ हेल्प कर दो। तो वो गए यहाँ से रात में बाइक से 9:30 बजे। तो उसके बाद से आधा घंटा 1 घंटा हो गया, उसके बाद से फ़ोन मिला रहे थे चाचा, हमारे चाचा लोग, तो चाचा ने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके बाद से रात में 11:30 से 12 बजे लमसम एसपी साहब को फ़ोन मिला, थाने गए, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद एसपी साहब को फ़ोन मिलाया गया। एसपी साहब ने थाने में फ़ोन मिलाया तो वहाँ से जीप निकली, फिर रात में ढूंढा गया तो रात में कोई नहीं, कुछ नहीं मिले। ये मेरा छोटा भाई था जो जम्मू में एयरफोर्स में पोस्टेड था, अभी कुछ दिन पहले छुट्टी पर घर आया था। इसका एक एयरफोर्स कर्मी है विजय सोनी, उसके साथ इसका वो इसके ऊपर एक अनाहक दबाव बना रहा था कि मेरा किसी से झगड़ा, उसको लेकर तुम समझौता करा दो। तो इसने समझौता कराने से साफ मना कर दिया कि तुम्हारा उनका मैटर है, तुम आपस में दबा लो। तब उसने क्या किया, कल एक अनजान फ़ोन, एक रिक्शे वाले के फ़ोन से कॉल करके इसको थाने के पास बुलाया और वहाँ से इसको अपने साथ ले गया और उसके बाद इसका ख़त्म कर दिया। ये मेरा भाई था, छोड़ अपनी मोटरसाइकिल लेके निकला था, ना तो मोटरसाइकिल मिली है और ना ही उसका मोबाइल मिला है। लॉकडाउन को